उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल, मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमला, हमले में दो सैनिक शहीद, दो पोटर की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले की निंदा की, कहा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हुई वो चिंता की बात है। भारत चीन के बीच समझौते के बाद एक्शन में दोनों देश, एलएसी पर भारत चीन ने किया डिसएंगेजमेंट शुरू। पूर्वी लद्दाख सीमा से सेनाओं का पीछे हटना शुरू, टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण हटा रहे हैं सैनिक। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों नेताओं में द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। एनआईए ने 2022 के दो मामलों में दर्ज किया आरोप पत्र। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, मुंबई में अजीत पवार की मौजूदगी में ली सदस्यता। एनसीपी में एंट्री के बाद जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कठिन समय में बहुत चेहरों के रंग बदलते हैं, महाविकास अघाड़ी ने बहुत झूठे वादे किए, जनता मेरे साथ, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की, डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में ली सदस्यता। एनसीपी के टिकट पर निशिकांत भोसले इस्लामपुर से लड़ेंगे चुनाव, ताजगांव से संजय काका को टिकट। एनसीपी अजीत गुट ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट की जारी, अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के करीब सभी सीट पर बनी सहमति, 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय, सिर्फ 10 सीट पर फैसला आना बाकी। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे, अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की दी नसीहत, कहा ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी को खड़ा ना करे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी, 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस सीसी की मीटिंग, महाराष्ट्र चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवार के नाम की लिस्ट, सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने ब्रह्मापुरी से विजय वेडेट्टीवार को और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट दिया, जबकि संगमनेर से बाला साहेब थोराट को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को मिला टिकट, जबकि 5 ST और 3 SC उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें शिवसेना UBD के 65, NCP शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले शिवसेना UBD के नेता संजय राउत, कहा आज गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठक, सोमवार तक पूरी लिस्ट आ जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट, बहरी से MLA उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से MLA आलमगीर आलम का टिकट कटा। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम को पाकुड़ से दिया टिकट, आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। हेमंत विश्व शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार, कहा पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी, JMM और कांग्रेस पर तुष्टिकरण का लगाया आरोप। हेमंत विश्व शर्मा ने अयोध्या पर किया जिक्र, कहा अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया गया, वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का समय आ गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोले सपा का PDF फर्जी, अखिलेश यादव गुंडों और दुंगाइयों के मुखिया, सपा का साफ होना तय। बिहार उपचुनाव पर बोले RJD नेता मृत्युंजय तिवारी, चारों सीटों पर NDA का सुपड़ा साफ होगा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ। श्रीनगर में बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद का समर्थकों के साथ प्रदर्शन, दरबार मूव की बहाली की मांग की। मथुरा में RSS के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हुए शामिल। चक्रवात दाना पर बोले ओडिशा के CM मोहन मांझी, कहा तूफान में कोई हताहत नहीं हुआ, करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, दोपहर 1 बजे तक सभी सड़कें साफ हो जाएंगी। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू, चक्रवात तूफान दाना के चलते परिचालन किया था बंद। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, यातायात हुआ प्रभावित, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, इंडिया गेट के आसपास में दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली, 300 के पार पहुंचा क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का जलस्तर, दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हुई स्किन एलर्जी, प्रोटेस्ट के दौरान यमुना में लगाई थी डुबकी। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, रोहित शर्मा 34वीं बार 0 पर हुए आउट, सचिन तेंदुलकर की बराबरी की, दोनों के नाम 34-34 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड।
भारत की महिला टीम ने पहले वनडे मैच में हासिल की जीत। न्यूजीलैंड को 59 रनों से दी शिकस्त। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की टीम ने 228 रनों का को दिया था लक्ष्य। न्यूजीलैंड की टीम 168 रन बनाकर हुई ऑल आउट। राधा यादव ने तीन खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन।